भैया रो क्यों रहे हो तुम? अरे छोटे, क्या बताऊं तुझे, इस लॉकडाउन ने हमारी आर्थिक स्थिति इतनी खराब कर दी है कि हमारे मुंह से निवाला तक छीन लिया है। अरे भैया, मम्मी की दवाई लाए कि नहीं लाए, और पापा की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, उनकी हालत बहुत खराब हो रही है, उनको हॉस्पिटल में भर्ती करा दो। अरे नहीं छोटे, इस कोरोना की वजह से हॉस्पिटल में बेड तक नहीं मिल रहे, तू एक काम कर, पापा का इलाज घर पर ही कर। नहीं भैया, बापूजी की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। तू टेंशन मत कर, मैं बाहर जाकर पैसे का इंतजाम करता हूँ और मम्मी की दवाई लेकर आता हूँ। हे भगवान, क्या करूँ मैं, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। हेलो भैया। हाँ छोटे, कहाँ हो तुम? पापा की लंबी लंबी सांसें चल रही हैं, कहीं से ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम कर लो। हाँ छोटे, करता हूँ। हेलो, पापा की हालत बहुत खराब हो गई है, ऑक्सीजन का इंतजाम करो ना। ठीक है भाई। हाँ, ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए गणेश मंडी के पास। ठीक है। हाँ क्या काम है? भैया भैया, मेरे पापा की हालत बहुत खराब है, उनको ऑक्सीजन की जरूरत है, प्लीज भैया ऑक्सीजन दे दो ना, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। प्लीज भैया, आपके पास ऑक्सीजन है, आपके किस काम की, मैं आपका जिंदगी भर गुलाम बन के काम करूंगा, प्लीज भैया दे दो ना। अरे यहाँ क्या ऑक्सीजन बढ़ रही है, तुझे अपने बाप को ठीक ही करवाना, तो हॉस्पिटल ले जाना। भैया प्लीज, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं मिल रही, कोई नहीं दे रहा, प्लीज भैया दे दो ना। काला गोम से देखो, 10,000 रुपये लगेंगे। भैया इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। तो फिर क्या करने आया है यहाँ पे? अरे भाई यहाँ पे क्या कर रहा है, तुम्हारे पिताजी खत्म हो गए, तुम्हारे मम्मी ने बुलाया है। आपकी वजह से आज मेरे पापा जी खत्म हो गए, अगर आप टाइम से ऑक्सीजन दे दिए होते तो आज मेरे पापा जी जिंदा होते, आपकी वजह से इस कोरोना के टाइम में ऑक्सीजन संकट बना हुआ है।